अभी पानीपत फिल्म में जो महाराजा सूरजमल की गलत छवि दिखाई गई थी, उसका विवाद थमा भी नहीं था कि एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मथुरा में एक पार्क में 24 दिसंबर में वहाँ के जाट नेताओं ने जिला प्रशासन से पूछ के पार्क के बीचम बीच महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का स्थापन किया था और महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगाई गई थी। लेकिन 3 जनवरी को जिला प्रशासन ने इस मूर्ति को हटा दिया और पार्क पर ताला जड़ दिया ताकि दोबारा मूर्ति ना लगाई जा सके, जिसके बाद वहां के आसपास के मौजूद जाट नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और वहीं पर धरने पर बैठ गए और आसपास के लोकल जाट लीडर से लेकर प्रदेश के जाट नेता तक इस पर नाराज हो गए हैं। अब यहां तक कि जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो मामले की सीरियसनेस को समझते हैं कि मथुरा में जहां की सांसद हेमा मालिनी खुद जाट हैं, और जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहेंगे जो सबसे बड़ा समुदाय वहाँ पर रहता है। और इसीलिए अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं नेता और उनको आदेश देंगे बहुत जल्द कि वापस से वो मूर्ति वहीं पर लगा दी जाए और उससे भी अच्छी मूर्ति लगाई जाए। जाहिर सी बात है 24 दिसंबर को ये मूर्ति उस वक्त लगाई गई थी जब महाराजा सूरजमल की पानीपत फिल्म में गलत छवि दिखाने को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद लोगों ने कुछ देर का धरना करने के बाद वहाँ पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित कर दी थी। महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित होने के 10 दिन बाद प्रशासन ने कहा कि हमसे इजाज़त नहीं ली गई और पार्क में इस तरह से किसी की भी मूर्ति लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिसके बाद 3 जनवरी को प्रशासन ने पुलिस की मदद से उस मूर्ति को हटवा दिया था। और अब यह बवाल राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और ट्विटर पर इसके लिए खूब ट्वीट किए जा रहे हैं और लोग फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर इसके खिलाफ खूब आक्रोश जता रहे हैं। और इसीलिए सरकार किसी भी तरह से किसी भी समुदाय की नाराजगी नहीं जाती और अब सरकार को लग रहा है कि अगर एक मूर्ति भी जिला प्रशासन यह सोच रहा है कि अगर एक मूर्ति वापस लगने से सारा विवाद थम सकता है तो बिल्कुल इस मूर्ति को लगाया जाएगा और अब आपको बहुत जल्द वो मूर्ति वापस वहीं पर देखने को भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।